हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है और आप लोग पास बहुत ज्यादा काम होगा। आपके घर में शादी होगी या तो आपकी खुद की शादी होगी या तो आपके दोस्त यार किसी की भी शादी हो सकती है, तो मैं चाहूंगा कि आप फोकस करो अपने कपड़ों के ऊपर, अपने ज्वेलरी के ऊपर, और आपकी सुंदरता को मेरे पास छोड़ दो। उसको मैं और ज्यादा एनहेंस करने में आपकी हेल्प करूंगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको बड़ी बड़ी क्लिनिक में जाना ना पड़े और पार्लर्स में जाके ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, वो भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए ना जाना पड़े, इसके लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ। गाइस, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है लोगों के पास या लोगों को सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? एक्ने के मार्क्स हो रहे होते हैं, अनइवन स्किन टोन हो रहा होता है, और या टैनिंग हो रही होती है, या फिर डार्क एल्बो हो रहे होते हैं या डार्क नीज हो रहे होते हैं। आप देखोगे पीछे ब्लाउज एरिया में टैनिंग हो चुकी होती है, या आपके चेहरे में टैनिंग हो गई है, या कोई भी अनइवन स्किन टोन है या डार्कनेस आ गई है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप जाओगे बड़ी बड़ी डर्मा क्लिनिक में जाओगे, या आप बड़े बड़े पार्लर्स में जाओगे और वहां पर जाकर करोगे लाखों रुपए बर्बाद। ये चीज को ना हो। और वैसे अगर आपको खूब ज्यादा पैसा है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपका खूब सारा इलाज करूंगा अपनी क्लिनिक पे। बट बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो गाइस, मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरी क्लिनिक में भी आके पैसा बर्बाद करो छोटी छोटी समस्याओं के लिए। बाकी बड़ी बड़ी समस्याओं के प्रॉब्लम के लिए मैं हूं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, वहां पे आप उनके पास जरूर जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन हम वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते, बट आज मैं आपको जो वीडियो बनाने जो प्रोडक्ट लेके आया हूं ना, ये बहुत ही छोटी छोटी समस्याओं को सबको सॉर्ट आउट कर देगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम एक्ने है, एक्ने मार्क्स है, अनइवन स्किन टोन है, आपको ग्लो नहीं है चेहरे में और शाइनिंग चाहिए है, टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, कोलेजन को इम्प्रूव करना है, टाइटनेस चाहिए चेहरे पे, रिंकल्स को रिमूव करना है, फाइन लाइंस को रिमूव करना है, डार्क एल्बो है, डार्क नीज है, बैक पे आपके टैनिंग है, कुछ भी है। तो इसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आइए मैं आज आपका ट्रीटमेंट करता हूँ। ट्रीटमेंट करेंगे, आपको खूब सारा लंबा चौड़ा बिल दे देंगे, लाइक वो आपको पीलिंग करेंगे। अब पीलिंग क्या होती है? पीलिंग में या तो वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज करेंगे, अगर आपको स्किन में ग्लो चाहिए, शाइनिंग चाहिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज किया जाता है, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड इज मेड अप ऑफ शुगर केन, लैक्टिक एसिड इज मेड अप ऑफ मिल्क। लैक्टिक एसिड हमने सुना भी होगा, कच्चा दूध लगाने को कहते हैं, बट कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अब आप वो या तो सालो लगाते हो क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है, तो वो आपको रेगुलर लगाना पड़ता है। अगर आपके फेस में एक्ने हो रहे होंगे तो वो कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लगाइए, लाइक सैलिसिलिक एसिड। अब या तो आप अलग अलग ट्रीटमेंट कराओ, अलग अलग चार्जेस पे करो, खूब सारे चार्जेस होते हैं। एक अच्छी क्लिनिक में जाएंगे तो अराउंड 4,000 to 5,000 पर सिटिंग चार्ज कर लेंगे फॉर अ सिंगल ट्रीटमेंट। अब आपको कम से कम लगेगा 4 to 5 सिटिंग हर 15 दिन में। टाइम वेस्ट, क्लिनिक पे जाओ, ट्रैफिक इतना होता है, पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो ये टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ल्यूक वॉर्म का ग्लाइकोलिक सॉल्यूशन। गाइज, इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। नॉट ओनली ग्लाइकोलिक एसिड इसके अंदर है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड 35%, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है इसके अंदर, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर, सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर, कोजिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड आपको जैसे बताया फाइन लाइन्स, रिंकल्स सबको खत्म करेगा, इवन स्किन टेक्सचर देगा, ग्लो देगा, शाइन लुक देगा, डेड लेयर को रिमूव करेगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कई बार बहुत से लोगों के चितकबरा चेहरा होता है, कहीं शाइनी लुक है, कहीं ग्लो हो रहा है, कहीं ड्राई हो रही स्किन। ये अनइवन टेक्सचर जो होता है ना, वो होता है डेड लेयर एक्युमुलेट होने के लिए। तो डेड लेयर को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शाइनी लुक के लिए। तो जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो दो सेल के बॉन्ड को डिसॉल्व कर देता है और वो सेल टूट जाते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी डेड लेयर रिमूव हो जाती है। जब डेड लेयर रिमूव होती है तो उसके बीच में जो पिगमेंट बचे हुए सेट है वो भी रिमूव हो जाते हैं और चेहरे में एक शाइनी लुक आ जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो कि स्किन वाइटिंग इफेक्ट देता है, जो टैनिंग को रिमूव करता है, वो भी इसके अंदर मिक्स है। साथ ही इसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, विच इज सैलिसिलिक एसिड, विच इज वेरी गुड फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ने, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, जो कि एक्ने जो होते हैं ना, आपको पिंपल्स होते हैं, रेड रेड हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन कारण होता है, तो वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है। पोर्स को डीक्लॉक करता है, वहाँ पे पोर्स में जो क्लॉकिंग हो जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये चीजें होती है, उसको डीक्लॉक करता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, पी एक्ने बैक्टीरिया उसको मार देता है डिशम डिशम करके। तो गाइज, इट्स अ सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपके हर टाइप के प्रॉब्लम को खत्म करेगा। एक्ने है तो वर्क करेगा, एक्ने नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ग्लो चाहिए तो काम करेगा, ग्लो नहीं चाहिए सिर्फ एक्ने पे वर्क करना है या सिर्फ अनइवन स्किन टेक्सचर को हटाना है या व्हाइटिंग इफेक्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कम्प्लीटली 360 डिग्री पे वर्क करेगा और जिसको आप घर पे रह के खुद यूज कर सकते हो। इट्स अ प्रोफेशनल ग्रेड सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब प्रोफेशनल ग्रेड सॉल्यूशन, और इसको लगाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इसको बहुत ईमानदारी से और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लगा लिया, और इसको कैसे कैसे फॉलो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं जो बाकी डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे क्लिनिक में यही सॉल्यूशन यूज करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं जो आपको बताएंगे नहीं, जो आता बहुत सस्ता है, आई थिंक 7190 का आता है, इतनी बड़ी सॉल्यूशन की शीशी है जो कि आपको एक बार में 1 ml लगेगा और 60 ml, मतलब 60 टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हो गाइस, मतलब 150 rupees पर सिटिंग भी आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा इसका, और जो कि आप क्लिनिक में जब जाओगे तो 5-6000 ले लेंगे कोई भी डॉक्टर। अभी मुझे पता है जितने डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो मेरे को खूब सारी गालियां लिख रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे कि उनकी दुकान बंद करा रहा हूँ, बहुत सारे पार्लर वाले भी गालियां दे रहे होंगे, बट गाइस आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड करना। तो गाइस ये ल्यूकवॉर्म का जो ग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन, इट्स अ पीलिंग सॉल्यूशन, जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो याद रखिएगा इसको अपने तरफ करके मत खोलिएगा, इसको सामने की तरफ खोलिएगा, ठीक है, कई बार इसमें गैस एक्युमुलेट हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये एक प्लास्टिक का सील है, इसको आपको ओपन करना है, एंड इसके अंदर एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर से आपको उसको सॉल्यूशन को निकालना है और इसको आप लगा के बंद भी कर सकते हो, ओके, इसको आप बंद भी कर सकते हो, तो ये 60 टाइम्स आप यूज कर सकते हो, 1 ml फॉर 1 phase यूज होता है, तो एक बॉटल खरीदने के बाद अपने फैमिली में, अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी फ्रेंड दोस्त यार सबको यूज करके दे सकते हो, लगाने को दे सकते हो, सबको ट्रीटमेंट कर सकते हो यार, घर बैठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे सस्ता ट्रीटमेंट, मतलब आप सबको एक बार बॉटल पूरे खानदान को तैयार कर दो शादी के लिए, देखो कितने लोग खुश रहेंगे, मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग हैप्पी हो रहे होंगे। लगाने के कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, सबसे पहले जब फेस को अच्छे से वॉश आउट करना है, आपको फेस को क्लीन करना है, और डीग्रीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीग्रीज मतलब ऑयल को हटाना है, तो उसके लिए आप एसीटोन या स्प्रिट यूज करिएगा, या जो डीग्रीजिंग सॉल्यूशंस होते हैं लाइक एसीटोन होता है, स्प्रिट होता है, या आप जैसे सैनिटाइजर टाइप का जो यूज होता है ना अल्कोहल, आप वो लेके कॉटन से पूरा फेस को क्लीन आउट करना है अल्कोहल स्वैप से, एल्कोहल से जब आप रिमूव कर देंगे तो वहां से ऑयल हट जाएगा, ऑयल जब पूरा हट जाएगा तो वहां पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई करने के बाद ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा स्किन क्लियर में, ठीक है, तो इट्स अ टाइम डिपेंडेंट पील, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टाइम डिपेंडेंट पील, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स माइल्ड सो यू कैन यूज इट बाय योर ओन, ये बहुत ज्यादा हाई पोटेंट पील नहीं है जिसके लिए आपको एक डॉक्टर को हम लोग अगर बहुत ही कहें कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ पील होती है तो मैं सजेस्ट करूँगा वो आप घर पे कभी मत यूज़ कीजिए, इट्स अ माइल्ड पील तो आप घर में यूज़ कर सकते हो, इसलिए बनाई इसलिए गई कि जो लोग नहीं आ सकते क्लिनिक उनके लिए, तो आपको 1 ml लेना है और 1 ml इसमें ड्रॉपर में लेके और इसको ऐसे डाल लेना है, ठीक है, इसको डाल लेना है 1 ml और उसको बंद करके रख देना है, तो ऐसा प्रॉपर इट्स जेल बेस्ड पील। प्रिकॉशन आपको जो लेने हैं वो है आप एक ऐसा ईयरबड लीजिएगा और वैसलीन लेके नोज के यहाँ पे लगाना है, यहाँ लगाना है, आईज के यहाँ पे लगाना है बिकॉज दीज आर द सेंसिटिव एरिया, यू हैव टू अप्लाई दिस वैसलीन ओवर हियर, ओके, और उसके बाद इतना सा लगा के छोड़ देना है, एंड नाउ इसको पील को ब्रश लेना है और डिप करके आपको ऐसे अप्लाई करना है प्रॉपर और लगा के 10 से 15 मिनट आपको लगा के छोड़ना है, और लगाने के बाद 10-15 मिनट लगाने के बाद आपको प्रॉपर इसको वॉश आउट करना है थ्रू वाटर, अच्छे से वॉश करना है, याद रखिएगा आईज क्लोज करके वॉश करिएगा, आईज में ना जाए, आपको ये प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, इसको प्रॉपरली स्प्रेड करके लगा लीजिए। अभी क्या होगा, इसमें जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है वो आपके एक्ने होंगे तो उस पर वर्क करेगा, ठीक है, पोर्स को क्लॉग होने से रोकेगा, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, इट्स अ जेल बेस्ड पील, लगा के आपको 10-15 मिनट छोड़ना है। अभी ये तो रहा जब पीलिंग करना है, ठीक है, वंस अ वीक आप इसको अप्लाई करके छोड़ो, वंस अ वीक आपको अप्लाई करना है, साथ ही साथ आप इसको डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एक मॉइस्चराइजर लीजिए उसमें 1-2 drops डालिए और उसको मिक्स करके ओवर नाइट
छोड़ दीजिए। याद रखिएगा उसको एक दो ड्रॉप लेके ओवरनाइट छोड़ना है, वो डेली पीलिंग के लिए है। मगर जैसे डार्क एल्बो है या डार्क नीज है या आपको बैक पे बैक पील करना है तो आपको सॉल्यूशन को ज्यादा लेना पड़ेगा और अप्लाई करके छोड़ना है। वंस इन अ वीक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको 4 to 5 सिटिंग आपको इसको यूज करना है, जो कि आपको धीरे धीरे रिजल्ट देगा। खुश हो जाओगे और मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू बोलोगे कि यस। और जब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, आपके खूब सारे पैसे बच जाए, तो मेरे को बस एक फेवर करिएगा, मेरे चैनल पे आइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि जितने ज्यादा फ्रेंड्स पे जो आपके दोस्त लोग हैं और मतलब मेरे को पता है आप इसको शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है मेरे वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो बताता हूँ और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बताता हूँ, आप खुद तो यूज करते हो और खूब ज्यादा चमक जाते हो, बट आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त लोग चमकें। ये मेरे साथ, मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम चमकेंगे और सब चमकेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा, तो बट ऐसा मत करना। अभी शादी का सीजन है यार, सब कुछ चमकने का मौका मिलना चाहिए, तो 10 to 15 मिनट बाद आपको इसको वॉश आउट करना है, अच्छे से वॉश कीजिएगा, आंख में नहीं जाना चाहिए। और प्रिकॉशन आप इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको नाइट में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि सन प्रोटेक्शन थोड़ा आपको लेना पड़ता है और दिन में आपको डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन अप्लाई कीजिएगा और ताकि सन प्रोटेक्शन हो, धीरे धीरे डेड लेयर निकलेगी आपकी और आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यह माइल्ड इचिंग आपको कर सकता है, जब आप अप्लाई करेंगे तो टिंगलिंग सेंसेशन आपको बीच बीच में होगा, तो वो डरिएगा मत, ये नॉर्मल है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, कोई भी इश्यूज हैं तो आपको प्लीज इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिएगा, मेरी आईडी डॉक्टर अवनीत गुप्ता, मैं वहाँ पर आपका वेट करूंगा। और इसको भी मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा www.clickoncare.com, नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाइए इसको परचेस करो और खूब सारा थैंक यू मुझे बोलो, बिकॉज मैंने आपको लाखों रुपए बचवा रहा हूँ। मतलब ये सॉल्यूशन आपको, आप क्लिनिक भी जाओगे वहां पे भी यही यूज करेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग यूज करेंगे ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक, यही एसिड यूज किए जाते हैं, तो मैं आपको बस घर बैठ के सारी क्लिनिक को बंद करवा दूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम जोक, दिस इज अ माइल्ड पीलिंग सॉल्यूशन जो आप घर पे खुद यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल ग्रेड का बहुत हाई स्ट्रेंथ का मत यूज कीजिएगा खुद, वो डॉक्टर्स के ऊपर ही छोड़ दीजिएगा, बिकॉज वो आपको हमें पता होता है कि आपको कब न्यूट्रलाइज करना है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशन क्या है। दिस इज अ माइल्ड होम पील सॉल्यूशन, अब होम ग्रेड पील सॉल्यूशन है, आप घर पे यूज कर सकते हो, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, और एल्स जो हाई ग्रेड के बहुत ही हाई स्ट्रेंथ के पील्स होते हैं वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप घर पे खुद यूज करो, उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास ही जाइएगा। गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा मुझे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा और मेरे को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। ओके चलो बाय।